अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हमारा चित्राल का टूर जारी है। तो आज हम जाएंगे, ये सामने जो आप देख रहे हैं बोर्ड, गरम चश्मा रोड पे जाएंगे और मारखोर, इस तरफ सामने ब्रिज है दरिया चित्राल के ऊपर, तो मारखोर व्यू पॉइंट जाएंगे। यहाँ जो चित्राल से तकरीबन 10 किलोमीटर गरम चश्मा रोड पे है, जो यूनिवर्सिटी ऑफ चित्राल है इससे थोड़ा सा आगे है। तो हम जो है इस वक्त उस पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। वहाँ पे तकरीबन कोई 3 बजे के बाद, मतलब उस तरफ जो है मारखोर उतरते हैं और पानी पीने आते हैं दरिया चित्राल से, जो दरिया गरम चश्मा की तरफ से आ रही है, वहाँ पे आके पानी पीते हैं। सामने जो है इस वक्त हमारा एयरपोर्ट है, ये एयरपोर्ट का रनवे है, अगर आपको नज़र आ रहा है तो सीधे हाथ के ऊपर, और ये सारे देखें आप रनवे। चलें, इसके लिए मैं आपको एक और, जो मेरे पास एक फ़ोटो है वो दिखा देता हूँ, जो मैंने ऊपर नेशनल पार्क से ली थी। रनवे को आपको अच्छी तरह दिखा दिया मैंने। तो अब अपने सफ़र को आगे बढ़ाते हैं और उस पॉइंट पर पहुँचते हैं। तो इस वक्त जो है टाइम तो 2 बज रहे हैं, लेकिन हम थोड़ा जल्दी जा रहे हैं क्योंकि ये जो पॉइंट है यहाँ पे जो है तकरीबन ऐसे समझें कि 3:30 के बाद जो है ये आते हैं, उतरते हैं नीचे। कभी कभार जो है ये झुंड की सूरत में भी उतरते हैं, कभी कभार 2-3 भी आते हैं। अगर आज हमारी किस्मत अच्छी हुई तो हमें हो सकता है बहुत ज़्यादा जो है मारखोर देखने को मिल जाएँ वहाँ पर। अब हम करीब पहुंच चुके हैं बस अपने मंजिल पर। तो सामने देखें बोर्ड लगा हुआ है मारखोर व्यू पॉइंट, यहाँ पे रुकते हैं। यहाँ से थोड़ा सा आगे एक चेक पोस्ट भी है फॉरेस्ट वालों का, उनके पास भी जाके बैठ के टाइम पास करते हैं। तो व्यूअर्स, अब हम जो है ना उस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं जहाँ से जो है अब मारखोर यहाँ से उतरते हैं ऊपर पहाड़ से, फिर नीचे आते हैं इस दरिया में पानी पीने के लिए। इनका टाइमिंग्स जो है 3 से लेकर 4 या 5 बजे तक है। तो अब हम यहाँ पे वाइल्ड लाइफ का जो है अमला भी मौजूद है, उनका एक चेक पोस्ट है। तो अब हम यहाँ पे वेट करेंगे। हम जो है 2:07 पे यहाँ पे पहुँचे हैं और वेट करते हैं, यहाँ से उतरेंगे तो हम उनको आपके लिए फिल्म बंद करेंगे कैमरे में। तो व्यूअर्स, वो जो वाइल्ड लाइफ का जो चेक पोस्ट टाइप था, तो वहाँ से अब हम यहाँ अंदर आ गए हैं। यहाँ पे एक टक शॉप है, बैठने की जगह है यहाँ पे, जब तक हम टाइम पास करते हैं, चाय वगैरह पीते हैं, और दरिया का सीन बड़ा ज़बरदस्त है तो एंजॉय करते हैं। और जब तक के मारखोर नीचे आए तो फिर हम उनको शूट करें, तो उस वक्त तक यहाँ पे चाय पीते हैं, दरिया के किनारे मज़े लेते हैं। तो व्यूअर्स, अभी टाइम हो चुका है, अब आना शुरू हो गए हैं। अगर एक आप देख रहे हैं तो वो बिल्कुल वहाँ पे जो है एक नज़र आ रहा है, जो थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर आप जूम मैं करता हूँ, अगर आपको नज़र आए तो अभी आएंगे यहाँ से भी, इस तरफ से भी आएंगे और यहाँ पानी पीने के लिए आएंगे। फिलहाल तो यही एक है जो घूम रहा है यहाँ पे। तो व्यूअर्स, आखिरकार 3 घंटे की यहाँ पे वेट करने के बाद, और मौसम भी यहाँ पे बड़ा ख़राब हो चुका था, बारिश भी शुरू हो गई थी बीच में, उसके बाद जो है ये नीचे उतरे हैं। ये 3 दाने हमने एक्सक्लूसिवली आपके लिए इनको फिल्म बंद किया है, और ये एक्सक्लूसिव नज़ारे हम आपको मारखोर के दिखा रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे टूरिस्ट आए हुए थे, बाहर मुल्क से टूरिस्ट भी आए हुए थे जो यहाँ पर रुके, जिनको ये मारखोर आज उतर नहीं रहे थे, इनका शायद मूड नहीं था, वो काफ़ी देर वेट करके सब चले गए हैं। लेकिन हमने जो है आपके लिए यहाँ पे बैठे रहे हैं कि हमारे जब तक ये आएंगे इनको शूट करेंगे, फिर ही हम यहाँ से जाएंगे। अब आप देख सकते हैं कैसे ये लोग फ्रीली मूव कर रहे हैं, बिल्कुल हमारे सामने हैं, इनके और हमारे बीच में दरिया है सिर्फ। तो व्यूअर्स, अब आप इनको देखिए और मुझे दीजिए इजाज़त, बहुत जल्द नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।